नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी के पॉइंट से जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों इस वीडियो में भूगोल के भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल के पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको हम बताएंगे। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है? तो कौन है? एडीज है। लंबाई 772 किलोमीटर, सर्वोच्च चोटी ओजोस डेल सलाडो है। राकी पर्वत उत्तरी अमेरिका की प्रमुख पलित पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4800 किलोमीटर है। दक्षिणी अल्पस पर्वतमालाएँ कहाँ फैली हैं? तो कहाँ फैली हैं? न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। दक्षिणी अल्पस की सर्वोच्चतम चोटी कौन है? आवासाकी माउंट कुक। इसकी लंबाई 3754 मीटर है। अल्पस पर्वत श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड तक है। हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? 25 किलोमीटर है। अल्पस का सर्वोच्चतम बिंदु माउंट ब्लैक जिसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 4810 मीटर है। अल्पस पर्वत प्रमुख किसका उदाहरण है? नवीन मोरदा पर्वत का उदाहरण है। भाइट पर्वत कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी कौन है? बर्मिज आराकान योमा पर्वत है। आराकान योमा पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन है? माउंट विक्टोरिया है। इसकी लंबाई 3094 मीटर है। आराकान योमा पर्वत की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन हैं? नाग चिन्ह लुइस पट कोर्ड है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ अवस्थित है? दक्षिण पश्चिमी जर्मनी में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट की सर्वोच्च चोटी फील्डबर्ग की ऊंचाई कितनी है? 1493 मीटर है। किली मंजारो चोटी किस महाद्वीप पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। किले मंजारो तंजानिया पर्वत श्रेणी पर स्थित है। एब्रूस चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप काकेकस पद है। पीको डे ओरिजावा किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ट्रांस मेक्सिकन यानी कि मेक्सिको ज्वालामुखी बेल्ट पर स्थित है। दामानंद किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में स्थित है। सर्वोच्च ईरान पर्वत श्रेणी पर माउंट गिलवे चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? ओशोनिया में स्थित है। साधारण ऊंची भूमि पपुआ न्यू गिनी में स्थित है। माउंट सिडले चोटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अल्पास एडीज और हिमालय पर्वत टर्सरीज अल्पाइन युविन कैसे पर्वत हैं? तो कैसे पर्वत हैं? तो बलित पर्वत हैं। रॉकीज एटलस कैसे पर्वत है? तो बलित पर्वत हैं। अल्पेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कब हुआ था? तो कब हुआ था? कैलेडोनियन युग में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन है? तो कौन है? ड्रेकेसनबर्ग है। कौन है? ड्रेकेसनबर्ग है। ड्रेकेसनबर्ग पर्वत का विस्तार किन देशों में है? तो किन देशों में? दक्षिण अफ्रीका लेसेथो में है। इसकी लंबाई 3482 मीटर है। माउंट टिटलेस कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। ज्वालामुखी के लावा के शीतलंग से यह निर्मित पर्वत श्रेणी है। पेरेनिज पर्वत किन देशों के मध्य सीमा बनाता है? तो किसके मध्य सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। पेरेनिज पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? बिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। तिब्बत पठार का कुल क्षेत्र कितना है? तो 2.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। औसत चौड़ाई 4500 मीटर। दक्षिणी अमेरिका में खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पेंटागोनिया के पठार को कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।